पूरी रात लगी है। सो ये कितने शूट होया है सारा और वीडियो के दौरान शूटिंग के दौरान कोई एहो जी मैमरी कोई मोमेंट होवे जो तुसी अज भी याद करके तुहानू बड़ा फनी जा लगदा होवे कि इस गाने दे ये मैमरी बनी सी। बट ये मतलब मैनू भी इन्ने क्या गया सी चेंजेस तो पता नहीं, मैं कुदरती मेरे माइंड च आया मैं कि कोई ना थोड़े जे ज़्यादा चक लेने तो मैं ज़्यादा भी देखो 10-11 चक लेने ही बंदा ना उन्ने के चकता। तो उस दिन मेरे वो सारे चेंज हो गए, मैं 9 ड्रैसेस चेंज कीतियां ने शूट च। मॉडलिंग कर सकते बट इस तो इलावा की रीजन सी कि मॉडलिंग लाइन में तुसी अपना करियर चूज़ किया? मैनू ना ये चीज़ का पहला शौक सीगा बट मैं कैरियर बारे मतलब इन्ना सोचा नहीं सी, बिकॉज ये नहीं सोचा सी कि मैं ये पक्का ही जाऊँगी क्योंकि मैनू सी पता नहीं फैमिली सपोर्ट मिलू कि नहीं। बट मैं मेरे मम्मा मैनू बहुत सपोर्ट करते हैं। फादर साहब का की सुभाव सी? कौड़ा कि थोड़ा निग्गा तो किदा का सुभाव से? उन्होंने है सुभाव उन्होंने बहुत वधिया, मतलब मेरी वो कोई भी चीज़ आ मानते आ। बट ये चीज़ लई तो किसी भी कुड़ी नूं परमिशन देना ना करदे लई औखा हुंदा क्योंकि बहुत औखा कि लोगों का की नज़रिया हो इदा काफ़ी कुछ सोचा जाता है। स्टडी च ना मैं शुरू तो ही बहुत वधिया रही हाँ तो स्टडी अकॉर्डिंग सी घरदियां नूं भी जो भी काम करना वो तो कंटिन्यू चलता ही रहता बंदे का क्योंकि ये शूट वगैरह जिदा ने जो भी होंगे बंदा उदों बंदा कर लेंदा गा। जो तुसी हार्ड कोर टिपिकल मॉडलिंग वाली जाना है रैंप मॉडलिंग वाल की एक्टिंग वाल तुहाडा वाल जिदा ये भी मैं अपना वर्क कह सकती हाँ, मॉडलिंग नहीं आप कह सकते एज एन आर्टिस्ट कह सकते हैं बिकॉज सॉन्ग च भी एक्ट होंगे अपना सॉन्ग च तो एज एन आर्टिस्ट मैं काम कर रही हाँ। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो सांझा टीवी, मैं आकांक्षा सोढी। दर्शकों नवी गाने नवे फिल्मां लॉन्च हुंदियां रहिंदियां ने ते असी पहुंचदे रहने उन्हां दी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस ते। लॉन्च पार्टी कह लो या लॉन्च दी अज अनाउंसमेंट होई है, गाना आ गया नवा ते किरण बराड़ जी उस गाने दे विच मुख लीड ते नज़र आ रहे ने ते उन्हां नाल सारी गलबात करांगे, असी सब कुछ जाणांगे गाने बारे भी, गाना किद्दां दा है, वीडियो किद्दां दी रही। किरण बराड़ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? वधिया, तुसीं दसो। किरण दी अगर गल करिए तो किरण नूं तुसीं पहला जसकरण गरेवाल, शिवजोत जी अते हरभजन मान वर्गे होर कई वक्रे वक्रे कलाकारां नाल तुसीं वक्रे वक्रे गाणियां दे विच मॉडलिंग करदे होए देखिया होएगा ते इंडस्ट्री दा इक बहुत प्यारा जिहा हिस्सा ने, ये भी अपना नाम बनाउण जा रहे ने। सो किरण अगर अज गल करिए बलकार सिद्धू जी नाल तुहाडा इह गाना जिहड़ा आया है, इस गाने बारे सारा कुछ सारी डिटेल्स असीं जरूर जानना चाहांगे। इस गाने दी दो लाइनस भी अगर तुसीं गा के नहीं तो उदा ही जिक्र जिमें कर दो। सब तो पहला ये गाना मैनू पालसर थ्रू मिलिया सीगा तो उस टाइम मेरे बहुत एक्साइटमेंट सीगी कि मैनू इन्ने वड्डे आर्टिस्ट नाल काम करन दा मौका मिल रहा तो ये गाने का शूट होया सीगा, एक दिन पूरा लगा सी ते रात भी। तो ये मतलब इहदा एक्सपीरियंस बहुत वधिया रहा क्योंकि ये मेरिया लुक्स सारिया पंजाबी लुक्स सीगियां ते एक मैनू एज एन जिदा नो हुंदा गा वो रिप्रजेंट किया गया सी। तो ये शूट ते असी फन भी बहुत किया, मतलब पता ही नहीं लगा कदों इन्नी जल्दी साडा शूट हो गया तो बहुत वधिया रहा साडा शूट। तो ये सॉन्ग भी मैनू पर्सनली भी बहुत पसंद आ। तो सॉन्ग की डिटेल्स भी मैं जरूर जानना चाहूँगी जिन्होंने नहीं पता और जिन्होंने हाल तक सॉन्ग नहीं देखा। सॉन्ग की डिटेल्स किदा कि यूट्यूब पर पिया लाइक चैनल का नेम वगैरह? हाँ जी, ये जेडे बाट म्यूजिक आ उन्होंने चैनल अंडर आया है, यूट्यूब पर ये रिलीज़ होया है। सो किरण अगर आप इस सॉन्ग की गल करिए तो वीडियो में कितना टाइम लग गया, वीडियो कितने शूट हुई और तुसी टाइम तो दस दिता कि एक दिन एक पूरी रात लगी है। सो ये कितने शूट होया है सारा और वीडियो के दौरान शूटिंग के दौरान कोई एहो जी मैमरी कोई मोमेंट होवे जो तुसी अज भी याद करके तुहानू बड़ा फनी जा लगदा होवे कि इस गाने दे ये मैमरी बनी सी? हाँ जी, ये ना हवेली साइड होया सी, मैं एग्जैक्ट लोकेशन भुल गई आ, हवेली साइड होया सी क्योंकि डेली शूट होंदे रहंदे आ, कई बार नहीं याद रहंदा। तो जिहड़ा इहदे च मैमरी ज़्यादा ये है कि मैं जिदा मोस्टली शूट ना चेंज होंदे आ, 5-6 चेंज ही 5 होंदे आ, हद 4-5 है ना। बट इहदे च मतलब मैनू भी इन्ने क्या गया सी चेंजेस तो पता नहीं, मैं कुदरती मेरे माइंड च आया मैं कि कोई ना थोड़े जे ज़्यादा चक लेने तो मैं ज़्यादा भी देखो 10-11 चक लेने ही बंदा ना उन्ने के चकदा। तो उस दिन मेरे वो सारे चेंज हो गए, मैं 9 ड्रैसेस चेंज कीतियां ने शूट च। तो हाँ जी 9 सूट मैं चेंज किए, तुसी काउंट करके देखियो। तो मतलब मैनू आए सी कि हुण चेंज हो गए बस 5 है ना, चेंज होर कहते एक होर चेंज करना इदा करते हो, 9 ड्रैसेस चेंज हो गई। तो मैनू लगता है मैमरी है सब तो वड्डी कि इन्ने चेंज किसी सॉन्ग च नहीं होए। अच्छा, कहते हैं कि जो होंगे चंगे लिए होंगे, रब जो भी करता। मैंने लगता कि उदों दिमाग जिहड़ा चीज़ आई कि मैं ज़्यादा चक लैंदी आ, शायद रब का ही इशारा सीगा कि अगे लोड़ पै सकदी। सारी लग गए वो सारी 9 जिहड़े 9 चेंज हो गए मेरे, 9 जिहड़ियां ड्रैसेस चेंज होईयां क्योंकि उन्होंने सी कि लुक चलो होर वधिया अज होर आप एक होर इदा कर लीए इदा करते सारे सूट ही चेंज हो गए। हर बारी मेकअप एंड हेयर हर बारी चेंज होंदे सी या फिर रिपीट चलिया किसी के हेयर एंड मेकअप? हर बारी मेकअप भी चेंज हो रहा सी? मेकअप तो मतलब थोड़ा टचअप होंदा बट जिहड़ा हेयर स्टाइल आ लुक आ हर बार चेंज होंदी सी। ओके अच्छा किरण अगर आप स्टार्टिंग की गल करिए जिन्होंने तुहाडे बारे नहीं पता स्टार्टिंग किद्दां होई आ और किद्दां इस इंडस्ट्री दे विच आना होया मॉडलिंग लाइन ही क्यों ओबवियसली कुड़ी दी हाइट बहुत सोहनी है तुसीं डिफरेंस देख सकते हो है ना मैं उन्हां नूं यही कह रही सी बिहाइंड द कैमरा कि अपनी हाइट जिन्नी मर्जी वधिया होवे पर जदों नाल कोई ज़्यादा टॉलर तुहाडे तों खड़दा तां ऐ लगदा वी असीं छोटे आ बट मैं छोटी नहीं हैगी ये ज़्यादा लंबे आ सो किरण मॉडलिंग च ओबवियसली हाइट आ परफेक्ट आ सोचा होगा कि मॉडलिंग कर सकदे बट इस तो इलावा की रीजन सी कि मॉडलिंग लाइन ने तुसीं अपना करियर चूज़ किया मैनू ना ये चीज़ का पहला शौक सीगा बट मैं कैरियर बारे मतलब इन्ना सोचा नहीं सी बिकॉज ये नहीं सोचा सी कि मैं ये पक्का ही जाऊँगी क्योंकि मैनू सी पता नहीं फैमिली सपोर्ट मिलू कि नहीं बट मैं मेरे मम्मा मैनू बहुत सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने मैनू कहा कोई ना जे तेनू शौक आ तो तेनू ट्राई करना चाहिए तो मिस पंजाब होना सीगा तो उहदे जिहड़े सीगे ऑडिशन होने सीगे तो उहदा फॉर्म फिल किया मम्मा ने मेरा खुद कि कोई ना ऑडिशन दिया है ना तो मैं ऑडिशन दिते उस मैं अगे अगे चली गई ग्रैंड फाइनल तक उत्थे टॉप 5 तक उस अगे तक चली गई उस तो अगे मैनू मतलब जिहड़ा हैगा ऑफर आई सीधी सॉन्ग दी शिवजोत सर नाल तो मैं घरदिआं नूं मम्मा नूं कहा मैं कि मम्मा किद्दां मन्नणगे सारे जां किद्दां मम्मा कहंदे कोई ना तैनूं आई है ना अपॉर्चुनिटी तो एक्सैप्ट कर तो मम्मा ने सारे नूं मनाया तो उस तो बाद मतलब मैं वो सॉन्ग कर लिया तो अगे कैरियर चल पिया फादर साहब दा की सुभाअ सी कौड़ा कि थोड़ा निग्गा ते किद्दां दा सुभाअ सी उन्हां दा मतलब है सुभाअ उन्हां दा बहुत वधिया मतलब मेरी वो कोई भी चीज़ आ मानते आ बट ये चीज़ लई तां किसी भी कुड़ी नूं परमिशन देना ना करदिआं लई औखा हुंदा क्योंकि बहुत औखा कि लोकां दा की नज़रिया हो इदां काफ़ी कुछ सोचा जांदा गा बट मम्मा ने फिर सारिआं नूं आपे हैंडल कर लिया कोई एजुकेशनल बाउंडरीज तां नहीं सीगियां कोई स्टडी नूं लैके बाउंडरीज उस तरीके दियां कि स्टडी दी लाइन 'च ही अग्गे जाना है कुछ उस तरीके दी बाउंडरीज तां नहीं सीगियां नहीं इदां दी कोई बाउंडरीज नहीं सीगियां क्योंकि कई बार हुंदा ना कि एजुकेशन या स्टडी लाइन कुछ होर हुंदी ते आपां चूज़ कर लैंदे कुछ होर फिर घर दे कहंदे किन्ना पढ़े हो तुसीं इधर ही कुछ करो इस कुछ तो नहीं सी नहीं इदा का कुछ नहीं सी क्योंकि स्टडी च ना मैं शुरू तो ही बहुत वधिया रही हाँ तो स्टडी अकॉर्डिंग सी घरदिआं नूं भी जो भी काम करना वो तो कंटिन्यू चलता ही रहिंदा बंदे दा क्योंकि ये शूट वगैरह जिदा ने जो भी होंगे उदों बंदा कर लैंदा गा तो मतलब वो स्टडी वालों उन्होंने मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं वो मैं अपना जो भी सैटअप करना वो कर ले किया होया ना अच्छा की किया होया मैं जानना चाहूँगी बैकअप प्लान की है इस इन्नी सोहनी जी कुड़ी दा नहीं मतलब जो भी है मतलब मेरी स्टडी मैं की हुई है मास्टर्स इन कॉमर्स की हुई है तो उस तो अगे मेरे जो भी मेरा बिजनेस सैटअप आ ना तो मैं वो आ कि मैं अपना कंटिन्यू कर ही लैना गा तो ये चीज़ मैं जो मैं भी मैं शौक सीगा तो हम पहला स्टार्टिंग सारे कुछ ना कुछ कहते सीगे घरदिआं नूं भी टेंशन सी पर हुण जदों अचीवमेंट्स हो गई तो घर दे भी पॉजिटिव होए हुए आ क्योंकि जिहड़े बंदे पहला नैगेटिव बोलते सी ओही कहंदे आ कि असीं उहनूं मिलना इहदे कोले आउणा जां असीं उहनूं जानदे आ तो आपे चेंज हो जाते हैं। अच्छा किरण अगर बलकार सिद्धू साहब की गल करिए उन्होंने ओबवियसली अपने आप के बहुत वड्डा और है तो ऑन सैट वो आए थे या उन्होंने अपने सिंक अलग शूट होए सी ऑन सैट उन्होंने मिले से क्योंकि तुसी अलग मॉडल ना भी शूट किया सो ऑन सैट बलकार जी मिले से उन्होंने सीन से नहीं उन्होंने नहीं मैं मिले से क्योंकि उदों ना वो बीमार से बहुत ज़्यादा बीमार से उन्होंने डेंगू होया तो उदों आ नहीं सकते थे तो उदों पहला दूसरा शूट हो गया से बाद उन्होंने सिंक होकर उस ऐड हुए थे। फर्स्ट टाइम फिर कदों मिले से उन्होंने अज ही तो पहला कभी मुलाकात हुई सी पर मिले सीगे ते अज मिले आ बस। अच्छा किदा दा लग्या उन्होंने मिलके की और है नहीं बहुत वधिया उन्हां दा नेचर बहुत वधिया इन्ने सीनियर आर्टिस्ट ने बट उन्हां च इदां नहींगा भी जिवें थोड़ा हुंदा एटीट्यूड जां ईगो चीज़ नहीं आ बहुत वधिया ने। अच्छा किरण अगे की प्लान्स आ हुण कि मॉडलिंग ही अगे वड्डे लैवल्स ते करनी है या होर कुछ एक्टिंग वाल भी अपना मॉडलिंग एंड एक्टिंग बहुत सैपरेट फील्ड्स आ जांदियां ने हैगियां एक दूजे नाल को रिलेटेड ही आ बट किते ना किते थोड़ियां सैपरेट भी आ सो तुसीं हार्डकोर टिपिकल मॉडलिंग वाली जाना रैंप मॉडलिंग वाल की एक्टिंग वाल तुहाडा एक्टिंग वाल जिदा ये भी मैं अपना वर्क कह सकती हाँ मॉडलिंग नहीं आप कह सकते एज एन आर्टिस्ट कह सकते हैं बिकॉज सॉन्ग च भी एक्ट होंदा अपना सॉन्ग च तो एज एन आर्टिस्ट मैं काम कर रही हाँ एंड इस तो अगे एक्टिंग च भी पूरा मेरा प्लान आ तो उहदे च भी वैब सीरीज़ या मूवीज़ जरूर जल्दी करांगी। अच्छा सो उहदे लई क्योंकि कहंदे ने कि हमेशा अपने मैं इस चीज़ से बिलीव करती हूँ कि अपने कभी कोई कमी ना होवे तो अग्गेों तुहानूं हमेशा मौके मिलते ही रहंदे आ सो अपने उत्ते किस तरीके का वर्क तुसीं करदे हो की रूटीन रहिंदा और एक्टिंग च जाण लई की दिमाग च स्ट्रैटेजी और इस ते कितना वर्क कर रहे हो तुसीं कि हाँ अगे जाके होर सक्सैसफुल होइए। हाँ सब तो पहले अपनी फिटनेस मैटर करती है तो मैं उहदे भी प्रॉपर फोकस करती हाँ तो जो एक्टिंग आ उहदा भी मैं एक्टिंग का भी डेली मेरा रूटीन आ मैं कुछ ना कुछ एक्टिंग के डायलॉग जां कुछ आपकी प्रैपरेशन करती रहनी है कि उसनूं मैं कितना बेस्ट बोल सकती कितना इंप्रूव कर सकती हाँ तो मैं ऐ भी जो भी मैं एक्टिंग के थ्रू अगे आवां लोगों के तो बेस्ट वे नाल ही आवां। थैंक यू सो मच किरण, तो उम्मीद करते हैं तुसी जल्दी ही आपां तुहाडे मूवी प्रीमियर ते भी मिलांगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सो ये सी जी मेरे नाल किरण बराड़, फिलहाल मॉडलिंग इंडस्ट्री अपना नाम कमा रहे हैं तो अगे एक्टिंग भी जिमें उन्होंने दस्या कि बहुत जल्दी उन्होंने प्रोजेक्ट्स तुहानूं देखण नूं मिलणगे। बलकार सिद्धू जी नाल इन्हां दा गाना आया है तो किरण बराड़, कैमरामैन विनी दे नाल मैं आकांक्षा सोढी, सत श्री अकाल।